आज हम बनाने जा रहे हैं तवा पुलाव। तवा पुलाव बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो है, ये राइस है जिसे मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रखा था। ये दावत का बासमती राइस है, आप कौन सा भी लॉन्ग ग्रेन राइस ले सकते हो। ये उसमें डालने के लिए मुझे चाहिए नमक, ऑयल, नींबू का जूस और ये गरम मसाले है जिसमें एक बड़ी इलायची है, चार पांच छोटी इलायची है, एक दालचीनी स्टिक है, थोड़ा शाही जीरा है, चार पांच लवंग है, चार पांच मिरी है और दो तेज पत्ता है। आइए हम पहले राइस को बॉईल करके लेते हैं। अब हम ये पानी बॉईल हो चुका है, इसमें ये राइस डालते हैं जिसे हमें 70-80% ही कुक करना है। इसमें मुझे स्वाद अनुसार नमक डालना है, ये सब गरम मसाले, ये ऑयल और एक नींबू का जूस डालना है। अभी राइस को हमें 5-7 मिनट के लिए उबाल के लेना है। हमारा राइस अब बॉईल हो चुका है, उसे हमें 70-80% ही बॉईल करना था। मैं गैस को ऑफ करती हूँ और इसे स्ट्रेन करके लेती हूँ। ये बड़ी छन्नी में मैंने इसे स्ट्रेन करने के लिए डाला। नींबू और ऑयल डालने से चावल खिले खिले बनते हैं और उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। पहले हमने राइस को पार बॉईल करके लिया है, 70-80% बॉईल करके लिया है। अब हमें तवा पुलाव बनाने के लिए बाकी की जो चीज़ें लगेगी वो है, मैं इसे ऑयल और बटर के साथ में बनाने वाली हूँ। तो ऑयल और बटर, उसके साथ में हमें चाहिए एक मीडियम साइज प्याज, ये छोटे साइज का शिमला मिर्च, ये एक गाजर है जो बारीक कट करके लिया है, ये बीन्स है, चार पांच बीन्स को मैंने कट करके लिया है, ये गोभी है जो मैंने बॉईल करके लिया है, ग्रीन पीस है, ये मशरूम है, दो टमाटर है मीडियम साइज, धनिया पत्ती है, नमक स्वाद अनुसार, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, मुझे कश्मीरी रेड चिली पाउडर लगेगी और ये पाव भाजी मसाला है। आइए बनाते हैं तवा पुलाव। पहले मैं इसमें बटर डालती हूँ, ऑयल डाला है 2 चम्मच, अब मैं इसमें ऑनियन डालती हूँ, प्याज, सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंच रखना है, इसलिए बाकी की सब्जी अभी तुरंत डालनी है। ये शिमला मिर्च है, ये बीन्स है, गाजर, अगर इनमें से कोई सब्जी आपके पास नहीं है या आप उसे लाइक नहीं करते हो तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। अब हम इसमें ग्रीन पीस डालते हैं, मटर, अब मैं ये टमाटर डालती हूँ, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा और उसमें थोड़ी सब्जियां भी पक जाएंगी।
आप चाहिए तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो जिससे सब्जियाँ जल्दी पक जाती हैं। सिर्फ सब्जियों का ही नमक डालना है हमें इसमें। गोभी है जो मैंने बॉईल करके रखी थी और ये मशरूम है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। अभी मैं गैस की फ्लेम थोड़ी कम करती हूँ और मसाले डालती हूँ। एक टीस्पून धनिया पाउडर है, आधा टीस्पून हल्दी, टीस्पून रेड चिली पाउडर, दो टीस्पून पाव भाजी मसाला। मसाले को अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब राइस को ऐड करना है इसमें। ये मैं राइस डालती हूँ। पाव भाजी मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, जितना आपको तीखा ज़्यादा या कम चाहिए। तो धनिया पत्ती है, पहले हमने नमक डाला था तो सब्जी के हिसाब से डाला था, अब मैं और थोड़ा नमक डालती हूँ। साइड से बटर छोड़ने से उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मैं इसके ढक्कन रखती हूँ, दो मिनट हो चुके हैं। अब हम तवा, हमारा तवा पुलाव रेडी हो गया है, हम इसे सर्विंग डिश में निकाल के लेते हैं। हमारा तवा पुलाव बहुत ही अच्छा बना है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।